हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रूज के बारे में। स्क्रू क्या होते हैं, किस मटेरियल के होते हैं, उनके हेड्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा आज की इस वीडियो में। सो गाइस, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज स्क्रू एंड टाइप्स ऑफ स्क्रू। सो व्हाट इज स्क्रू, स्क्रू क्या है? जैसे कि आपने बोल्ट देखा तो बोल्ट के सिमिलर ही हमारे स्क्रूज भी होते हैं। ये भी एक तरह के मैकेनिकल टेम्परेरी फास्टनर्स ही है जिसपे हम दो पार्टों को असेंबल करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे बोल्ट्स में देखा आपने बाहर की जो शाफ्ट होती है उस पर बारी थ्रेड्स होती है, सेम इसी तरह से स्क्रू में भी बारी थ्रेड होती है। बट इसको जब हमें लूज करना है, टाइट करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, फास्टनिंग सिस्टम के लिए हम हैमर या स्क्रू ड्राइवर्स का यूज़ करते हैं। बट बोल्ट के केस में ऐसा नहीं, बोल्ट के लिए हम नट यूज़ करते हैं साथ में, और उसके लिए स्पेनर्स प्रॉपरली उसको लूज और टाइट करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्पेनर्स यूज़ करते हैं। तो ये आपका है स्क्रू। स्क्रू एक टेम्परेरी फास्टनरी है। तो हम बात करते हैं इसके टाइप्स ऑफ, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, स्क्रू में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे देखेंगे, ये टिप थ्रेड, ये इसकी थ्रेड होती है, क्रीस्ड थ्रेड लेंथ, जितनी लेंथ होगी थी थ्रेड रेंथ, और यहाँ पर ये देखिए नॉन थ्रेडेड सेंक, जहाँ पर थ्रेड यानी जैसे बोल्ट्स फुल थ्रेडेड होते हैं और हाफ थ्रेडेड भी, सेम इसी तरह से स्क्रू भी होते हैं। ये थ्रेडेड सेंक है, यहाँ पर देखिए इसका ये ड्राइव और ये इसका हेड। आगे हमें ड्राइव और हेड के अलग अलग शेप्स में मिलते हैं स्क्रूज, तो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये कंप्लीट ओवरऑल द पार्ट्स हैं स्क्रू के, कि स्क्रू के अंदर क्या क्या, स्क्रू में क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसके। ओके, तो अब नेक्स्ट इज हेड, हेड शेप ऑफ स्क्रू। स्क्रू का जो हेड होता है उसकी शेप की, अगर हम हेड की शेप की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट शेप में आपको ये मिल जाएंगे। जो ज़रूरत हमें जिस हेड के वर्क के अकॉर्डिंग ज़रूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग हम हेड का सिलेक्शन करते हैं, जिसमें फ्लैट हेड, ओवल हेड, ओवल हेड, पेन हेड, ट्रस हेड, राउंड हेक्स, हेक्स वॉशर, स्लोटेड हेक्स वॉशर, सॉकेट कैप, बटन, तो इस तरह के अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम हेड्स यूज करते हैं। नेक्स्ट इज ड्राइव। अब ड्राइव देखिए, ड्राइव भी हम डिफरेंट डिफरेंट तरह की ड्राइव टाइप भी हम यूज़ करते हैं, जैसा फ्लिपसन, फ्रिसन जो कि हमारा, इसके बाद स्लॉटेड हो गई, कॉम्बिनेशन हो गई, सॉकेट हेक्स और हेलन, वन वे, स्क्वायर एंड टोरेक्स, तो ये कुछ ड्राइव टाइप हो गई हमारा, जिसमें हम ये अलग अलग तरह के यूज़ करते हैं। कुछ स्पेशल ड्राइव, स्पेशल टाइप्स की भी कुछ ड्राइव्स रहती है, ये मोस्टली कुछ टूल्स में सीएनसी मशीन के टूल्स वगैरह में भी आपने इस तरह की स्टार कीस वगैरह की इस तरह की ड्राइव्स देखे होंगे। स्पेशल केसेस में हम इस तरह की ड्राइव्स भी यूज होते हैं, वहाँ पर हम इस तरह के सेम स्क्रू ड्राइवर वगैरह यूज़ करके उसको ओपन अप करते हैं स्टार कीस वगैरह के साथ। नेक्स्ट इज द मटेरियल ऑफ स्क्रू। अगर हम इसके मटेरियल की बात करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल में भी हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे टाइटेनियम, स्टेनलेस स्टील, हार्डन स्टील, स्टील, प्लास्टिक, कॉपर अलॉय, ब्रास, एल्युमिनियम, तो जैसी हमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इसके मटेरियल का भी सिलेक्ट करते हैं। और समटाइम क्या होता है, इसमें हम इस पर कोटिंग करते हैं, जिंक, क्रोम और ब्लैक ऑक्साइड की कोटिंग भी स्क्रूज पर, ऐसे बोल्ट्स पे भी करते हैं, तो सेम उसी तरह से हम स्क्रूज पे भी करते हैं। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ स्क्रू। अब हम बात करें टाइप ऑफ स्क्रूज। टाइप्स ऑफ स्क्रू में हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्क्रूज यूज करते हैं, तो कुछ सिलेक्टेड स्क्रूज हैं जो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन से। सबसे पहले आप देखेंगे डेकिंग स्क्रूज, यहाँ से देखिए इमेज में आपको दिखाता हूँ डेकिंग स्क्रू। नेक्स्ट इज अ डबल एंडेड स्क्रू, यहाँ पे देखिए डबल एंडेड, इसके साइड देखिए दोनों एंडेड में थ्रेड्स होती है, इसको डबल एंडेड स्क्रू बोलते हैं। ड्राइव वेल स्क्रू, यहाँ देखिए ड्राइव वेल पर यहाँ सिलेक्टेड स्लॉट रहते हैं इसमें, ये ड्राइव वेल स्क्रू। आई बोल्ट स्क्रू, जैसे आई बोल्ट स्क्रू यानी आई बोल्ट भी होते हैं और आई बोल्ट स्क्रूज भी होते हैं, तो ये आई बोल्ट स्क्रूज है। नेक्स्ट इज अ फार्मिंग स्क्रू, आप यहाँ देखिए ये फार्मिंग स्क्रू है, यहाँ पर देखिए स्टार टाइप की इसमें कीस रखती है। नेक्स्ट इज द फ्लिस्टर हेड स्क्रू, यहाँ पर देखिए ये फ्लिस्टर हेड, ये देखिए इसका हेड पूरा प्लेन होगा सेम और बीच में यहाँ स्लॉट बने रहते हैं, तो फ्लिस्टर हेड स्क्रू। एंड हेक्स कैप स्क्रू, यहाँ से देख सकते हैं हेक्स कैप, यहाँ पर हेक्सागोनल एनल की वगैरह का लगा के हम यूज़ करके इसको ओपन अप करते हैं। नेक्स्ट इज अ हैमर ड्राइव स्क्रू, ये देखिए आप इसका जो हेड है वो हैमर ड्राइव स्क्रू है, इसको हैमर ड्राइव स्क्रू बोलते हैं। नेक्स्ट इज अ लैग स्क्रू, लैग स्क्रू कुछ इस तरह के होते हैं, देख सकते हैं इसके ऊपर हेक्सागोनल होगा और बाकी में इसकी स्क्रू थ्रेड्स रहती है इसमें। नेक्स्ट
इज अ मशीन स्क्रू। मशीन स्क्रू कुछ इस तरह के होते हैं, देख सकते हैं यहाँ से स्टार की वगैरह इसमें लगी थी, फोर वे की लगी रहती है इसमें। नेक्स्ट इज अ मिशनरी स्क्रूज। मिशनरी स्क्रूज ये ज़्यादातर मोस्टली जैसे आपने वॉल्स वगैरह में देखा हो तो वहाँ पर इसके साथ हम इस तरह के स्क्रूज वगैरह यूज करते हैं। नेक्स्ट इज अ ओवल हेड स्क्रू। यहाँ पे देखिए इसके हेड ओवलनेस है, इसमें ओवल्टी है तो इसके ओवल हेड स्क्रू। नेक्स्ट इज अ पेन हेड स्क्रू। यहाँ पे देखिए इसका हेड, देखिए पेन हेड स्क्रू। नेक्स्ट इज अ पार्टिकल बोर्ड स्क्रू। अब देख सकते हैं ये पार्टिकल बोर्ड स्क्रू। नेक्स्ट इज अ सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू। यहाँ पे देखिए सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू, इस स्क्रू से हम जो है क्या सेल्फ ड्रिलिंग, अगर आप इसमें ड्रिल होल करने की नीड नहीं होती ये सेल्फ ड्रिलिंग होल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ सेट स्क्रू। सेट स्क्रू आप देखिए सेट स्क्रू कुछ इस तरह के होते हैं, इसमें एलन की भी आते हैं और सेम यहाँ पर एक स्लॉट भी कटा होता है, स्लॉट टाइप के भी स्क्रू आते हैं। नेक्स्ट इज अ शोल्डर स्क्रू। आप यहाँ देखेंगे ये जो स्क्रू है आपका, ये शोल्डर स्क्रू, शोल्डर बोल्ट्स भी आते हैं, शोल्डर स्क्रूज में भी आते हैं। नेक्स्ट इज अ सीट मेटल स्क्रू। यहाँ देखिए ये सीट मेटल स्क्रूज है। नेक्स्ट इज अ सॉकेट हेड स्क्रू। सॉकेट हेड स्क्रू आप यहाँ से देखिए एलन बोल्ट, जिसको एलन बोल्ट भी बोलते हैं, एलन की के थ्रू हम इसको कनेक्ट करते हैं, सॉकेट हेड स्क्रू। नेक्स्ट इज अ थ्रेड कटिंग स्क्रू। ये जो स्क्रू है इससे ऑलरेडी थ्रेड कटिंग के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज अ वाशर फेस्ड स्क्रू। वाशर फेस, इसके देखिए इसमें फेस पे क्या होता है, इसके जो हेड होता है वहाँ पर एक वाशर भी यूज़ किया जाता है, इसको वाशर फेस्ड स्क्रू भी कहते हैं। नेक्स्ट इज अ वुड स्क्रू। अब यहाँ देखिए ये वुड स्क्रू जो मोस्टली हम वुडन वर्क के लिए ज़्यादातर इस तरह के स्क्रूज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज अ वेल्ड स्क्रू। वेल्ड स्क्रू ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हम वेल्डिंग में हम इस तरह के स्क्रूज यूज़ करते हैं और मोस्टली जो वेल्डिंग प्रोसेस बताएं उसमें वो स्कट वेल्डिंग की जाती है तो उसमें हम इस तरह के स्क्रूज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज अ टेम्पर प्रूफ स्क्रू। यहाँ पर देखिए टेम्पर प्रूफ स्क्रू, यहाँ पर ये टू पिंस की की रहती है उसके थ्रू हम इसको ओपन अप करते हैं, तो यह टेम्पर प्रूफ स्क्रू। तो ये आपको ओवरऑल मैंने डिफरेंट टाइप्स के स्क्रूज के बारे में बताया, अगर आप इसके बारे में पर्टिकुलर किसी एक स्क्रूज के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और कोई सवाल है, कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, उसका जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी और भी वीडियोस के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।